जय हिंद। आज क्लॉक प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन प्लेन मिरर रीजनिंग का क्लास है। टाइप वन हॉरिजॉन्टल मिरर या इसको वाटर मिरर कहेंगे। नोट, घड़ी में 9 और 3 वाले डिजिट से जितना ऊपर होगा उतना नीचे करेंगे। नोट कर लीजिए। इतना यदि वास्तविक समय 11:25 हो रहे हो तो स्थिति में प्रतिबिंबित समय क्या होगा? यदि हॉरिजॉन्टल मिरर या वाटर मिरर में पूछे तो ऐसे सवाल बनाएंगे। मिनट वाला सीव 3 से कितना आगे है? 2 घंटा। 2 घंटा पीछे करेंगे मिनट वाला, कितना 1 पर आएगा? 1, यानी कि कई मिनट? 5 मिनट। घंटा वाला सी 9 से कितना ऊपर है? 1, 2 ऊपर है। 9 से 2 नीचाएंगे, 1, 2 यानी कि 7, 7 बजे। अब समय क्या होगा? 7:05, 7:05। ठीक है, दूसरा प्रश्न। यदि वास्तविक समय 4:40 हो, 4:40 हो तो इस स्थिति में प्रतिबिंब समय क्या होगा? ये क्या है? घंटा वाला सीव है, ये मिनट वाला है। तो घंटा वाला सीव 3 से क्या है? 1 स्टेप नीचा है, 1 स्टेप ऊपर करेंगे। घंटा वाला सीव 2 पर जाएगा, यानी कि 2:00। मिनट वाला क्या है? 9 से 1 नीचा है, तो 9 से ऊपर 1 करेंगे, 1 ऊपर करेंगे, यानी कि 10:50, 50 मिनट, 2:50 आंसर। तीसरा प्रश्न इसी टाइप का है। यदि प्रतिबिंब समय 6:10 हो, 6:10 हो, 10 मिनट हो तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा? वास्तविक समय क्या होगा? ये क्या है? घंटा वाला सीव है, ये मिनट वाला सीव है। घंटा को एच से डिनोट करेंगे, मिनट को एम से। घंटा वाला सीव क्या है? 6 पर है, तो 9 से कितना पहले है या 3 से कितना पहले है? 9 से कितना पहले? 1, 2, 3 पहले है, तो 9 से 3 ऊपर करेंगे। ठीक है, 1, 2, 3। घंटा वाला सीव क्या है? 12 पर जाएगा। मिनट वाला सीव 3 से 1 स्टेप ऊपर है, तो 1 स्टेप नीचा आएंगे, यानी कि 4 पर आएगा। मिनट वाला 4 पर आएगा। अब कितना इसमें बजेगा? 12:04 को क्या कहेंगे? 5 होगा 20, 20 मिनट आंसर। एक बात और ध्यान में रखिएगा, 1 को क्या कहेंगे? 5 मिनट कहेंगे। ठीक है, 2 को 10 मिनट कहेंगे, समय 5 से गुना करेंगे। 3 को क्या कहेंगे? 15 मिनट, यानी कि 3 × 5 = 15, 4 × 5 = 20 मिनट। 5 में फिर 5 से गुना करेंगे, 25 मिनट। 6 को क्या कहेंगे? 30 मिनट कहेंगे। ठीक है, 30 मिनट। 7 को क्या कहेंगे? 35 मिनट कहेंगे। 8 को 40 मिनट कहेंगे। 9 को 45 मिनट। 10 को 50 मिनट कहेंगे। 11 को 55 मिनट और 60 को 60 मिनट। चौथा प्रश्न। यदि प्रतिबिंब समय में 12 बज रहे हो तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा? प्रश्न में क्या बोला है? 12 बजे। घंटा वाला सीव 12 पर होगा और मिनट वाला भी 12 पर होगा, होगा कि ना? 9 से कितना ऊपर है? घंटा वाला सीव कितना ऊपर है? 1, 2, 3 स्टेप ऊपर है, तो 9 से 3 स्टेप नीचे आएंगे, 1, 2, 3। यानी घंटा वाला सीव क्या? 6 पर आएगा। मिनट वाला भी 12 पर है, तो कितना ऊपर है? 3 स्टेप, 3 स्टेप नीचे आएंगे, 1, 2, 3। मिनट वाला भी 6 पर आएगा, यानी कि 6:30। घंटा वाला सीव 6 पर है तो 6 होगा, और मिनट वाला 6 पर है, तो 6 को क्या कहेंगे? 30 कहेंगे, 6 × 5 = 30, यानी 6:30 आंसर। पांचवा प्रश्न। यदि प्रतिबिंब समय 12:30 हो रहे हो तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा? 12:30, 12:30।
तो उत्तर क्या होगा? घंटा वाला सीख 9 से कितना ऊपर है? 1, 2, 3। तो उत्तर में 9 से नीचा 3 स्टेप आएंगे, 1, 2, 3। घंटा वाला सीख क्या आएगा? 6 ऊपर। मिनट वाला सीख 9 से कितना नीचा है? 1, 2, 3। 9 से उतना ऊपर करेंगे, 1, 2, 3। मिनट वाला सीख ऊपर 12 पर आएगा। ये क्या है? मिनट वाला है। कितना समय होगा? 6 होगा आंसर। टाइप दूसरा प्रॉब्लम वेस्ट ऑन वर्टिकल वर्टिकल मिरर। अब 12 में घटाएंगे, ठीक है। छठा प्रश्न, यदि वास्तविक समय 5:45 हो रहे हो तो इस स्थिति में प्रतिबिंब समय क्या होगा? मिरर वर्टिकल में पूछे तो 12 में टाइम को घटाएंगे, कितना है? 5:45। इस 1 घंटा लेगा तो 60 मिनट हो जाएगा। 60 मिनट में 45 घटाएंगे कितना होगा? 15 मिनट। ये कितना होगा? 1 घंटा उसको दिया तो 11 में 5 6 6:15 होगा आंसर। यदि वास्तविक समय 11:25 हो रहे हो तो इस स्थिति में प्रतिबिंब समय क्या होगा? 12 में क्या घटाएंगे? 11:25। 1 घंटा पैसा लेगा, 60 में 25 गया 35। इसको 1 घंटा दिया ना तो 11 हो जाएगा, 11 जीरो हो जाएगा, जीरो होगा तो उसको क्या मानेंगे? 12:35 आंसर। या इस तरह से बनाएंगे 12, है ना। तो 12 में कितना कम है? प्रश्न में क्या बोला है? 11:25। तो 12 से कितना कम है? कितना कम है? 35 मिनट, है कि ना। 35 मिनट 12 में 35 जोड़ेंगे कितना होगा? 35। 12:35 आंसर। इस तरह से बनाएंगे ना, तो इस तरह से बनाएंगे। 8वां प्रश्न, यदि वास्तविक समय 12:30 हो रहे हो तो इस स्थिति में प्रतिबिंब समय क्या होगा? 12। तो 12 से कितना अधिक है? 30 मिनट, है कि ना। यहाँ 12 है, यहाँ 12:30 है, तो 30 मिनट क्या है? ज्यादा है। तो 12 में 30 मिनट कम करेंगे, ठीक है। ज्यादा होगा तो कम करेंगे, कम होगा तो जोड़ेंगे। 12 में 30 मिनट घटाएंगे तो कितना होगा? 11:30, यानी कि 11:30 आंसर। 9वां प्रश्न, यदि किसी घड़ी में 6 बज रहे हो तो प्रतिबिंब समय क्या होगा? यानी कि 12 में 6 घटाएंगे, 0 के 0, 12 में से 6 गया 6, यानी कि 6 बजेगा आंसर। 10वां प्रश्न, यदि प्रतिबिंब में समय 9:45 प्रतीत हो रहे हो तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा? 12 में 9:45 घटाएंगे, देखो पैसा देगा 1 घंटा, यानी कि 60 मिनट। 60 में 45 घटाएंगे 15, 1 घंटा पैसा दिया तो 11 में से 9 घटाएंगे, 2:15 आंसर। 11, यदि प्रतिबिंब समय 12:25 हो रहे हो तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा? 12 में घटाएंगे, ठीक है। 12 से कितना अधिक है? 12:25 है, तो 25 मिनट क्या है? ज्यादा है। तो 12 में 25 मिनट कम करेंगे, 25 मिनट घटाएंगे, 11:35 होगा, ठीक है आंसर।